आज हम लोग पुरस्कार का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम होगा उसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या अदर कोई वनडे का एग्जाम होगा। हर परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके किससे आएंगे, पुरस्कार से आते ही है। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत बारीकी से समझना होगा। पहले हम लोग इसके सिस्टम को समझे कि आखिरकार इसके टॉपिक निकाला कैसे जाएगा। जैसे किसी भी टॉपिक को जब हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे तब वह बहुत आसानी से आपके पास क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और साइंटिफिक क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को कितना तोड़ लेते हो, जितना ज्यादा आप तोड़ करके पढ़ेंगे उतना ही वो पढ़ाई आपकी आसान हो सकती है। जैसे इसको पुरस्कार को हम लोग कई भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग टॉपिक बांटेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ा जाएगा, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार का मतलब कि देश के अंदर में कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं और 2019 में कौन सा वह पुरस्कार किसको मिला वो देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वह है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय स्तर में हमने भारत रत्न पुरस्कार देखा, हमने पद्म विभूषण पुरस्कार देखा, ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग उसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो नोबेल प्राइज, जैसे अभी रवीश कुमार को मिला है आपका कौन सा पुरस्कार, रेमन मैगेसेसे पुरस्कार मिला। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ख्यातिलब्ध पुरस्कार है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग इसमें देखेंगे। जो तीसरा जो सबसे अगला जो पुरस्कार है जहां से बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं और वह आपका है फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार अभी आपने सुना होगा कि भारत में फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अभी हाल में अमिताभ बच्चन जी को मिला। फिल्म क्षेत्र में दुनिया में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा, ऑस्कर पुरस्कार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2019 में ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला। तो ये आपको फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो फिल्म है उनको कौन कौन सा प्राइज मिला और राष्ट्रीय स्तर के जो प्राइज होंगे उनको देखेंगे। फिर उसके बाद जो है जो चौथा पार्ट हम लोग देखेंगे वह आपका होगा कौन सा, तो आपका होगा खेल पुरस्कार, यानी खेल से संबंधित। जैसे भारत में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल बैट्समैन का खिताब मिला उसको हम लोग देखेंगे। यानी क्रिकेट के क्षेत्र में आपका, एथलीट के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में, जितने भी खेल से रिलेटेड जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा पुरस्कार तो ढेर सारे होते हैं लेकिन वो सिलेक्टिव करना होगा कि लगभग हम 30-40 पुरस्कार पढ़ ले और हमारा काम क्या हो जाए, आसान भी हो जाए, यानी खेल पुरस्कार पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो देखेंगे सैन्य पुरस्कार। सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला जैसे आपका है अशोक पुरस्कार, अशोक चक्र जो है आपका दिया जाता है, वीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है, कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, ये 5 टॉपिक के अंतर्गत पूरे पुरस्कार को 5 टॉपिक में बांट करके विषय वस्तु को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब एक एक को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करते चलेंगे। आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला पुरस्कार वो है कौन सा, राष्ट्रीय पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला, यानी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह है भारत रत्न पुरस्कार। यानी भारत रत्न हेडिंग आपका होगा भारत रत्न, यानी भारत रत्न जो पुरस्कार है यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह जो 2019, दो चीजें समझना होगा आपको एग्जाम के लिए कि यानी यह पुरस्कार 2019 में किसको मिला, एक पॉइंट ये समझना होगा। और अगर इसकी बैकिंग, क्योंकि अभी हाल में लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हो रही है या आईएएस की जो परीक्षा हो रही है तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कोई भी प्रश्न जब पूछ रहा है वो तो उसका स्टार्टिंग से भी पूछ ले रहा है,
यानी स्टार्टिंग को भी वो उठा रहा है, जैसा अभी 2019 का जो एग्जाम हुआ उसमें उसने क्या किया, उसका पहले का तो पूछा ही पूछा, यानी लेटेस्ट पूछा, उसका शुरुआत भी पूछ लिया। अब आपने रखे गए करंट की कोई मैगजीन लिया आपने, अब करंट की मैगजीन में क्या दिया होगा, केवल भारत रत्न जो 2019 में मिला वो दिया होगा। अब उसने किया कि भारत रत्न जो पहली बार पुरस्कार मिला था वो किन किन लोगों को मिला था, अब वहां पे आपके लिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ लेना है कि 2019 में किन किन लोगों को मिला यह भारत रत्न पुरस्कार। तो पहला किसको मिला है, ये प्रणव मुखर्जी को मिला, यानी पहले ले लेंगे 2019 में। तो किसको किसको मिला 2019 में, तो सबसे पहले प्रणव मुखर्जी को मिला। प्रणव मुखर्जी कौन है, तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी आपके राष्ट्रपति के पद पर ये प्राप्त, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च क्या है, पद होता है, और यह देश का प्रथम नागरिक भी होता है, यह आपका संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। अर्थात जो तीन लोगों को आपका भारत रत्न पुरस्कार मिला, और पहला जो यानी आपका तीन लोगों में कौन कौन, प्रणव मुखर्जी को मिला, दूसरा किसको मिला, ये दूसरा यह जो पुरस्कार है वह भूपेन हजारिका को मिला। भूपेन हजारिका कौन है, तो भूपेन हजारिका असम के एक संगीतकार हैं, यानी गीतकार हैं, यानी आपके, तो इनको भी मिला। आप देखेंगे कि जो भूपेन हजारिका हैं इन्हीं के नाम पर ही हाल में क्या किया गया है, भारत का सबसे लंबा क्या बनाया गया, तो जो सेतु बना असम में उसका नाम भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया, अर्थात भूपेन हजारिका को मिला। और जो तीसरा पुरस्कार मिला एक समाज सेवी हैं, नानाजी देशमुख, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, समाज सेवी हैं। यानी भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 2019 में किसे मिला, तो प्रणव मुखर्जी जी को मिला, भूपेन हजारिका को मिला, नानाजी देशमुख को मिला। और यह जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ध्यान दीजिएगा कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिल जाता है उसके पूरे जीवन काल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहता है, उसके पूरे जीवन काल का। यानी सोचिए, ये कैबिनेट मंत्री व्यक्ति केवल 5 साल के लिए बनता है, लेकिन जो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति होगा वह जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहेगा। वो सुख सुविधाएं जो कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं, वो सारी सुख सुविधाएं किसको मिलेगी, जो भी भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होगा उसको प्राप्त होगा। अब ये भी समझ लें कि जो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला वह भी, भारत रत्न जो पुरस्कार की शुरुआत हुआ वह कब हुआ, तो भारत रत्न जो पुरस्कार की शुरुआत हुआ वर्ष 1954 में हुआ। यानी पहली बार, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया कि पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, वर्ष 1954 में दिया गया। किसको किसको दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा आपको दिया किसको गया, पहला दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ध्यान दीजिएगा, इनको एक नाम दिया जाता है, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि दार्शनिक राजा की उपाधि किसको दिया जाता है, दार्शनिक राजा किसे कहा जाता है भारत में, तो उत्तर आपको देना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, यानी भारत के पहले। फिर उसके बाद जो इसी वर्ष में जो दूसरा पुरस्कार मिला वह था इसको, सी राजगोपालाचारी
सी राजगोपालाचारी, इनको राजा जी की उपाधि मानी जाती दिया गया था, और जो तीसरा जो दिया गया वह सी वी रमन जी को। सी वी रमन को क्यों दिया गया? क्योंकि भौतिकी के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो आपको उत्तर देना है सी वी रमन जी को मिला। यानी भारत में पहली बार जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वह वर्ष 1954 में कितने लोगों को दिया गया? आपका तीन लोगों को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन को दिया गया। वर्ष 2019 में किसको दिया गया? तो प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया, भूपेन हजारिका जी को दिया गया और नानाजी देशमुख को दिया गया। सभी को क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, जो भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा किया जाता है, अब यह फिर से नया होने वाला है 26 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या किया जाता है? ये भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। अब ये प्रत्येक वर्ष का मतलब ये नहीं है कि हर साल दिया ही जाएगा, हो सकता है दिया जाए, हो सकता है ना भी दिया जाए, क्योंकि रेगुलर में ये नहीं मिलता है। इसके बाद भारत रत्न के बाद में भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार है। एक बार तो परीक्षा में यही पूछ लिया गया कि, यानी क्रम पूछा गया था कि पद्म विभूषण पुरस्कार, फिर उसके बाद में है पद्म भूषण पुरस्कार, और उसके बाद जो चौथा है वह है पद्मश्री पुरस्कार। यानी कौन कौन से पुरस्कार हैं, इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसके बाद जो पुरस्कार है वो कौन सा है? पद्म विभूषण पुरस्कार है। और उसके बाद कौन सा पुरस्कार है? तो पद्म भूषण पुरस्कार है। और उसके बाद कौन सा पुरस्कार है? ये पद्मश्री पुरस्कार है। ये चारों पुरस्कारों का क्रम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको भी आप रखें अपने साथ में। अब देखेंगे जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, जैसे ये सब पुरस्कार कम पूछे जाते हैं परीक्षा में क्योंकि ढेर सारे लोगों को मिल जाता है, तो भारत रत्न तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट। किसको किसको मिला? तो सबसे पहला जो पुरस्कार मिला वो प्रणब मुखर्जी जी को, फिर उसके बाद किसको मिला? नानाजी देशमुख को, और फिर किसे मिला? भूपेन हजारिका। आप देखिएगा कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला वह जो पुरस्कार था, पद्म जो विभूषण पुरस्कार है, वो छत्तीसगढ़ की एक गायिका है तीजन बाई। यानी छत्तीसगढ़ की रहने वाली है तीजन बाई, और तीजन बाई को भी कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। और इसके बाद बलवंत महेश्वर बलवंत महेश्वर को भी यह पुरस्कार मिला। और बलवंत महेश्वर कहां के रहने वाले हैं, इसको ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, ये भी कहां के हैं? महाराष्ट्र के। ये छत्तीसगढ़ के समाज सेवी है। ये ब्रैकेट में आप ले सकते हैं कि ये क्या है, तो ये समाज सेवी है। अनिल कुमार मणिभाई तीसरा जो है वह है अनिल कुमार अनिल कुमार मणिभाई को भी यह पुरस्कार मिला है। और चौथा है वह है इस्माइल उमर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये दोनों लोग महाराष्ट्र के हैं।
यह है जिबूती। जिबूती एक देश है और वहां के ये रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण केवल 4 लोगों को मिला है, इसलिए आपके परीक्षा के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। पद्म भूषण जो पुरस्कार है यह कुल आपका मिला जो वह 14 लोगों को, और यह मिला कुल 94 लोगों को, इसलिए बहुत ज्यादा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। यानी आपका भारत रत्न जो पुरस्कार मिला वह कितने लोगों को, 3 लोगों को, पद्म भूषण जो मिला वह 4 लोगों को, और यह 14 और यह 94। क्रम आप याद रखना है, भारत रत्न को एकदम याद रखना होगा आपको। यानी पद्म भूषण किसको किसको मिला, तीजन बाई एक गायिका है, कहां की रहने वाली है, छत्तीसगढ़ की, बलवंत मोहेश्वर को मिला, अनिल कुमार मणि भाई को मिला, इस्माइल उमर को मिला। ध्यान दीजिएगा, जहां पे जैसे याद करने में थोड़ी असुविधा हो उनको थोड़ा ट्रिक भी जनरेट कर सकते हैं कि यानी क्या हुआ, तीजन ने बलवंत और अनिल को क्या किया, को देख करके इस्माइल किया। यानी आप ट्रिक कुछ जनरेट करें तो उससे क्या होगा, और आसान होगा। यानी तीजन जो है जब डांस कर रही थी तो क्या किया, बलवंत और अनिल ने जो है इस्माइल किया। बना सकते हैं, जैसे कि ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक सदैव अपना होता है। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर ढेर सारे ट्रिक बनाने वाले लोग हैं, लेकिन वह ट्रिक आपके लिए ज्यादा कारगर नहीं होता है। कारण क्या होगा कि वो दूसरा का बना हुआ। आप जितना ज्यादा से ज्यादा खुद अपना ट्रिक तैयार करें और उसमें गंदे चीजों से ट्रिक बनाए, अच्छे शब्दों से नहीं, जितने गंदे शब्दों से ट्रिक बनाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, दिमाग में बैठेगा। क्योंकि गंदी बातें हैं, गंदी चीजें क्या होती है, दिमाग में जल्दी बैठती हैं, इसलिए उन्हीं शब्दों से आप भी क्या करें, उसको बताएं नहीं दूसरे को, मतलब ये बताएगा कि इतने गंदे आप भी हैं, मतलब ये ना करें, ये केवल आप क्या करें, बना करके उसको अपने पास में रखें। अब देखिएगा अगला जो पुरस्कार है वह है नंबर दूसरा, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार 2018 ये जो पुरस्कार मिला वह किसे दिया गया वर्ष 2018 में, योहेई सासाकावा, जापान के जापानी नागरिक हैं ये, और इनको दुनिया में शांति और अमन स्थापित करने के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी गांधी शांति पुरस्कार जो दुनिया में दिया जाता है कि दुनिया में अगर अमन चैन, जैसे गांधी जी ने अमन चैन स्थापित करने के लिए विश्वविख्यात हैं, और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और यह जो दिवस है इसी दिवस के मतलब गांधी जी के उपलक्ष में संस्था के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया। अब कैसे याद करेंगे कि गांधीवादी जो विचारधारा को फॉलो करता है, गांधीवादी विचारधारा को जो फॉलो करेगा वो सदैव संसद में रहता है। संसद मतलब इनको जो संसद मतलब तकलीफ में थोड़ा रहता है, तो इसको आप याद कर सकते कि गांधी शांति पुरस्कार मतलब सासाकावा मतलब संसद में रहता है, मतलब कुछ अपने ऐसा जनरेट कर लिया, ठीक है। यानी योहेई सासाकावा को क्या मिला, जापान का, जापानी नागरिक है, और इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया।
नंबर तीसरा जो पुरस्कार वह आप देखना है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान व्यास सम्मान ये ध्यान दीजिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो दिया जाता है वह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपने ब्रैकेट में क्या लिख लिया? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार अभी हाल में 2019 में दिया गया वह किसे दिया गया? लीलाधर। किसे दिया गया? लीलाधर जागुड़ी। लीलाधर जागुड़ी को दिया गया। और यह किस साहित्य में इन्होंने काम अच्छा किया है? तो हिंदी भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य के उन्नति के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया है। और इनकी जो पुस्तक है वह पुस्तक कौन सी है? पुस्तक है जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम यानी जो इनकी साहित्य है और उस रचना का क्या नाम है? जितने लोग उतने प्रेम। और कौन से व्यक्ति को साहित्य यानी साहित्य क्षेत्र में व्यास सम्मान जो दिया गया वो किसको दिया गया? लीलाधर जागुड़ी को प्रदान किया गया। इसी तरह से अगला जो आपका पुरस्कार है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या अपनी विशेषता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी भारत में साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस व्यक्ति को दिया गया? तो यह मलयालम भाषा में साहित्य की रचना किया नंबोतिरी। इनका पूरा नाम था अख्तिम अच्युन। अच्युन नंबोतिरी। मलयालम भाषा के नाम थोड़ा कठिन है यानी क्योंकि ये केरल के वासी हैं। मलयालम भाषा में लिखा गया क्या? लिखा गया अख्तिम अच्युन नंबोतिरी। कुल मिला के आप नंबोदरी भी याद कर लेंगे कि यानी नंबोदरी थे ये, तब भी आपका काम, क्योंकि ऑप्शन आधारित आपका एग्जाम होगा। जो भी एग्जाम होगा वो आपने क्या रख लिया कि ज्ञानपीठ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और किस भाषा में प्रदान किया गया? तो आपका मलयालम भाषा में। और किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो नंबोतिरी। तो जैसे एक नंबोदरी ब्राह्मण होते हैं। अच्छा नहीं आ रहा है, नंबोतिरी ठीक। तो नंबोतिरी ब्राह्मण यानी आपको याद करने का तरीका क्या होगा कि नंबोदरी जो ब्राह्मण है वही को इनको इस बार पुरस्कार मिला। याद करने का एक अपना ट्रिक जनरेट रखेंगे कि नंबोदरी ब्राह्मण को मिला यानी भले वो नंबोतिरी है। तो जहां नंबोदरी आपने देखा या नंबोतिरी देखा आपने, तुरंत याद आ जाएगा कि ज्ञानपीठ को इसको मिला था और व्यास सम्मान किसको मिला? लीलाधर जी को मिला था। यानी शॉर्ट नेम याद करें, पूरा नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं। अगला आप बनाएंगे मूर्ति देवी पुरस्कार।
मूर्ति देवी पुरस्कार, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार मिला 2019 में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को, यानी मूर्ति देवी को पुरस्कार मिला विश्वनाथ तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सी रचना थी इनकी? अस्ति व भवति। हिंदी क्षेत्र में, यानी हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार मिला। साहित्य क्षेत्र में तो क्योंकि साहित्य की रचनाएं कई भाषाएं में है, कई भाषा में है, और उसमें इनको जो मिला वो हिंदी भाषा के लिए मिला। अब जो दूसरा जो पुरस्कार है जो महत्वपूर्ण है वो, यानी आपने देख लिया किसको, आपने व्यास सम्मान देखा, तो व्यास सम्मान किसको मिला? तो व्यास सम्मान मिला लीलाधर को। और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? नम्बूतिरी को मिला। आपका मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला? विश्वनाथ तिवारी को मिला। अगला जो आपको देखना है वह है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार मिला डॉक्टर के शिवा रेड्डी, डॉक्टर के शिवा रेड्डी को यह पुरस्कार मिला। डॉक्टर के शिवा रेड्डी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह जो शिवा रेड्डी साहब है वह तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में साहित्य के लिए दिया गया। कठिन है रचना, इसलिए जाने उसको बहुत लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। यानी जो पुरस्कार मिला वो किस भाषा में मिला, आप केवल इतना रखें किस भाषा के लिए मिला, तेलुगु भाषा के लिए इनको मिला यह पुरस्कार। क्लियर है? अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति एकता भी लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी शांति एकता पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार मिला वह चंडी प्रसाद भट्ट को मिला। चंडी प्रसाद भट्ट को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आपने सुना होगा। और चंडी प्रसाद भट्ट किस लिए पॉपुलर है? तो चंडी प्रसाद भट्ट किस लिए पॉपुलर है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही क्या किया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो चलाया गया वह आपके कौन कौन लोग थे? तो चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट, बौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुड़ा इस आंदोलन में थे। यानी चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से, और जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। अगला है चमोली देवी पुरस्कार। चमोली देवी पुरस्कार
चमोली देवी जो पुरस्कार मिला वह किस क्षेत्र में मिला, तो चमोली पहले बार क्षेत्र ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि चमोली देवी का ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होगा किस क्षेत्र में दिया जाने वाला है पुरस्कार है। तो चमोली देवी जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाने वाला है, तो यह पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, यानी पत्रकारिता क्षेत्र के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, तो पत्रकारिता क्षेत्र के लिए, और यह पुरस्कार मिला किसको, तो यह प्रियंका दुबे को यह पुरस्कार मिला। प्रियंका दुबे को यह पुरस्कार दिया गया। अगला, ये आप कैसा पुरस्कार कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं जो आपकी परीक्षा में लगभग हर साल के जो भी वनडे या और एग्जाम होते हैं उसमें बराबर ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ध्यान दीजिएगा, जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है यह कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह कुल 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष यानी अब 23 भाषाओं में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार, इसका मतलब 23 ऑप्शन तो बना नहीं सकता एग्जाम, इसका मतलब जो पॉपुलर लैंग्वेज है उन्हीं के लिए मिलेगा, क्योंकि आप हिंदी भाषी बेल्ट से हैं, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी क्षेत्र में किसको मिला, यानी हिंदी भाषा के लिए साहित्य कुल 23 भाषाओं को दिया जाता है, तो हिंदी भाषा में किसको मिला, और अगर अंग्रेजी भाषा वाला व्यक्ति भी पॉपुलर होगा तो उसको भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, अर्थात आपका अगर हिंदी भाषा में पूछेगा कि हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार किसको मिला, तो नंद किशोर आचार्य जी को मिला। नंद किशोर आचार्य जी को यह पुरस्कार मिला, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है, और उसमें यह पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको मिला, तो आपको किसको मिला, नंद किशोर आचार्य जी को। अंग्रेजी भाषा में एक बहुत बड़े व्यक्ति को मिला, राजनीतिक व्यक्ति है, यानी आपका अंग्रेजी भाषा के लिए, इंग्लिश भाषा के लिए शशि थरूर, शशि थरूर को यह पुरस्कार मिला आपका, क्योंकि शशि थरूर काफी पॉपुलर कांग्रेसी नेता हैं, इसलिए जो है इनको भी आपको याद रखना होगा, यानी 23 लोगों में 2 लोगों का नाम आपको याद करके रखना होगा। अगला, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, सर्वेक्षण पुरस्कार 2019, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार यानी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा रहा, भारत में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो भारत में सबसे स्वच्छ जो राज्य का, सबसे स्वच्छ राज्य का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ वह किसे मिला, तो सबसे स्वच्छ जो राज्य का पुरस्कार मिला है वह छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। किसे मिला, छत्तीसगढ़ को मिला, याद दीजिएगा, 2000
जो 12 में गणना हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य है छत्तीसगढ़। इसका मतलब यह है कि भले ये लोग गरीब हैं लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा गरीबी प्रतिशतता यानी इस राज्य की पॉपुलेशन का लगभग 39% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। लेकिन भारत में सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा वर्ष 2019 में किसे दिया गया, तो राइट उत्तर क्या होगा, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा, तब उत्तर हो जाएगा आपका इंदौर को प्रदान किया गया। सबसे स्वच्छ शहर का जो दर्जा मिला वह इंदौर को। अब उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहरों में अगर स्थान की बात किया जाए, यूपी का स्थान कौन सा रहा इस स्वच्छता स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में, तो आपका उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां था। उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां था। एक पुरस्कार और कर लेंगे, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पर्यटन जो पुरस्कार है 2019, तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019 जो मिला वह किस राज्य को मिला, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य को मिला। यानी अगर क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019 वह किस राज्य को प्रदान किया गया, यानी वहां पर सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर मिला उनके लिए, तो उत्तर आप क्या देंगे, आंध्र प्रदेश को मिला। किस राज्य को मिला, आंध्र प्रदेश को मिला। तो इस प्रकार से आपने क्या कर लिया, ये आपने राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार थे उन्हें कंप्लीट कर लिया। बहुत तेजी से हम लोग क्या करते हैं कि उसको आपका रिवीजन भी एक बार कर लेते हैं। जैसे आपने किसको किसको पहले भारत रत्न पुरस्कार देखा, तो भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो तीन लोगों को मिला। पहला कौन था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, और फिर किसे मिला, भूपेन हजारिका को। फिर पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, फिर पद्म भूषण पुरस्कार मिला, फिर पद्मश्री पुरस्कार मिला। साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वह किसे मिला, नंबूतरी को मिला। यानी आपको याद करने का ट्रिक मैंने बता रखा था कि नंबूतरी एक ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं को शायद मिला होगा, बट ये किस भाषा में मिला हुआ है, मलयालम भाषा में मिला। ऐसे करके ही आपने लगभग साहित्य के क्षेत्र में जितने पुरस्कार है उनको लगभग लगभग तैयार कर लिया होगा सभी का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसको एक कट कर लो।